स्थानीय मुक्ति धाम में अगर किसी भी नगरवासी के निधन पर अंतिम संस्कार पर लोगों के बैठने के लिए क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर द्वारा टीन शेड का निर्माण तो कराया गया था, लेकिन यहां पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी को लेकर वरिष्ठ व्यापारी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल व पत्रकार संजय जायसवाल की पहल पर नगर के 15 लोगों से संपर्क किया गया। उन सभी ने अपने परिजनों की स्मृति में 4200 रुपए कीमत की 15 सीमेंट की कुर्सियां मुक्ति धाम में बैठने के लिए दान की है। उनके इस पहल की नगरवासियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। सेगावा से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। धाम में लगाई गई सीमेंट की कुर्सियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यह चाहेंगे कि अभी फिलहाल में पिछले हफ्ते हमारे आदरणीय किशोर बाबू जी के पिताजी शांत हुए थे, उस दौरान हमारा मुक्तिधाम जाना हुआ। वहाँ पर हम वरिष्ठ व्यापारी संघ के कुछ सदस्य बैठे हुए थे और हमने विचार किया कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण फिर हमने विचार किया कि क्यों ना यहाँ सीमेंट की ब्रेंचें लगाई जाए। तो इस कारण हमने इस बात की पहल की तो वहाँ पर काफ़ी समाज सेवी इकट्ठे हुए और 15 लोगों ने के जन सहयोग से हमने वहाँ पर ब्रेंचें लगवाई। क्या नाम लिखते हैं? देवेंद्र मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।